शानदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरियर पॉइंट। आज की नई अपडेट दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश से है और यहाँ पे आप सबके लिए मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। UPNHM नई अपडेट जारी कर दी गई है दोस्तों, हर अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे और हमारा काम भी यही है, जितने भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगी UPNHM से रिगार्डिंग सब कुछ बताएंगे दोस्तों। और आज की बहुत बढ़िया अपडेट है, UPNHM की जो वैकेंसी निकाली गई थी उनका शेड्यूल यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है एग्ज़ाम वगैरह का। और यहाँ पे जो है UPCHO के रिजल्ट के बारे में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे जो है जानकारी मैं देने वाला हूँ आप सबको। तो जल्दी से वीडियो पूरा देखेंगे सभी लोग और नए कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आप सबके लिए यहाँ पे बताई जाती है और आगे भी बताते रहेंगे। डियर साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं UPNHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, यहाँ पे आप सबके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है वो आ जाएगा और आप सबको पहले व्यू ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारे नोटिफिकेशन एक जगह रुक जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएंगे। अभी देखिए काफ़ी लोग बोल रहे थे सर UPCHO का रिजल्ट आ चुका है, UPCHO का रिजल्ट आ चुका है, ये गलतफहमी आप सबके जो है फैली हुई है। तो मैं आपके लिए शेड्यूल्स बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। और UPCHO का रिजल्ट साथियों अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, UPCHO का रिजल्ट जैसे ही आएगा दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी जल्दी बताया जाएगा। अभी काफ़ी स्टूडेंट ग्रुपों में और लिंक वगैरह शेयर कर रहे हैं UPCHO 5505 वैकेंसी रिजल्ट डिक्लेयर। तो दोस्तों UPCHO रिजल्ट नहीं आया है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। आप दोस्तों वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और आपको अधूरी जानकारी में ही आप कमेंट कर देते हैं सर ये तो ये है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया कि ये रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था कल, ये STS जितनी भी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी निकली थी उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया था। यहाँ पे देख सकते हो आप जितनी वैकेंसी आए लैब टेक्नीशियन की इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, STS ये सभी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और उसी की वो लिंक थी। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन थे, लेकिन आज की जो नई अपडेट आई है दोस्तों इसमें देखिए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की और साइकेट्रिक नर्स की और साइकेट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसी NHM के तहत जो निकाली गई थी उनका यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन का शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है, उनका एग्ज़ाम डेट आ गई है। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उन्होंने तैयारी कर रहे थे और अब उनकी जो है एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको देखिए बता देता हूँ इसकी एग्ज़ाम डेट। डियर साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं UPNHM की साइट से हमने ये डाउनलोड कर लिया है, जैसा मैंने आपको बता रखा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम टाइम देख लीजिए 10:30 से 12 बजे तक होगा और सेंट्रल एड्रेस देख सकते हो आप। ठीक है, सेंट्रल कहाँ पे आया उनका, उनका नेशनल PG कॉलेज में। उसके बाद में साइकेट्रिक नर्स की जो वैकेंसियाँ थी उसमें 11:30 से एग्ज़ाम होने वाला है 1 बजे तक और श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उनका सेंटर आया है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट देख लीजिए पहले, जो संडे को उनका एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, संडे को 25 सितंबर को उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो है साइकेट्रिक नर्स की जो सोशल वर्कर की वैकेंसी टाइमिंग क्या है उनकी, 2 से 3 PM है और जो सेंटर है यहाँ पे नेशनल PG कॉलेज में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ रिक्रूटमेंट रिटर्न अभी अभी जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उनको, हालांकि डेट फिक्स थी लेकिन टाइमिंग फिक्स नहीं थी, तो टाइम शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया है और वो आसानी से जो है समझ सकते हैं, क्योंकि पूछ भी रहे थे कि सर टाइमिंग अभी तक नहीं आया, तो टाइमिंग ये सबके लिए इस तरीके से इसमें जारी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में ये जानकारी थी UPNHM के रिगार्डिंग और UPCHO को लेकर स्टूडेंट्स बहुत परेशान है सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों UPCHO का रिजल्ट अब कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, UPNHM जितना जल्दी जल्दी अपडेट जो है कर रहा है सभी को, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो जल्दी से जल्दी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनको जल्दी से कंप्लीट करा रहा है। और जैसे ही अब UPCHO का भी रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, फर्स्ट वीक में आ सकता है, अगर नहीं तो आपका सितंबर में जो सॉरी अक्टूबर में तो आना ही है, लास्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन जो है जल्दी से जैसे ही आएगा दोस्तों आप सबको आपके अपने प्यारे चैनल एसके कैरियर पॉइंट्स के द्वारा जल्दी जल्दी बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई अपडेट होगा, ठीक है, अभी भी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो जल्दी से हम आपके लिए बता देते हैं, कोई भी ऐसी क्योरी कन्फ्यूजन नहीं रहती है आपको। ठीक है, तो आगे भी बताते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।